Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you are watching Executive Coaching Center's live session. Students, aaj ka jo lecture hai ye bada important hai international relation ke reference se. The reason being is that ke koi bhi mulk jab international arena mein kisi aur mulk ke sath jab relationship develop karta hai to un relationship ko develop karne ke liye usko certain set principles jo uske mulk ne banaye hain उनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है. एक स्पेसिफिक किस्म का कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको सिस्टमैटिकली अडॉप्ट करने के बाद वो सर्टेन सेट प्रिंसिपल्स डिवाइज किए जाते हैं और उन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टीम होती है हर मुल्क की और फिर उन सर्टेन स्पेसिफिक सेट प्रिंसिपल्स को आपका फेस कहा जाता है बाहर की दुनिया में जब आप बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो जो फेस होता है आपका उसको हम फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम देखें जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन के पढ़े नेशनल सिक्योरिटी हो नेशनल इंटरेस्ट हो नेशनल पावर हो बैलेंस ऑफ पावर हो आजकल की दुनिया में क्या होता चला आया है ये सब कुछ अगर आप गौर से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बात भी समझ आएगी कि इट इज ऑल अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन. अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं कोल्ड वॉर इराक को देखते हैं तो हमें कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स मेजर ग्लोबल पार्ट्स की फॉरेन पॉलिसी को भी एनालिसिस करना होता है और फिर हमें समझ आती है कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होते हैं. इन अदर वर्ड्स जब एक मुल्क इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी ममालिक किसी एक मुल्क के साथ चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज हों चाहे वो रीजनल कंट्रीज हो चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो डील करता है इंटरेक्ट करता है निगोशिएट करता है डिप्लोमेटिक टॉक्स करता है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है ट्रेड करता है बहुत से इंट्रैक्शंस जब करता है ट्रीटी साइन करता है तो उसके पीछे उसके मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं उसको परसू करना होता है और उस इंटरेस्ट को परसू किया जाता है थ्रू द फेस ऑफ दैट कंट्री and that is known as foreign policy. तो आज का हमारा जो lecture है इसको बड़ा comprehensively design किया गया है. हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे जो आज का lecture number 16 foreign policy इसका content क्या है. तो students देखते हैं जिस तरह कि मैंने भी introduction में कुछ चीज़ों से आपका तारुफ करवाया तो हम foreign policy से related कुछ major concepts उसकी meaning उसकी definition को understand करेंगे. उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की वजूहात क्या होती हैं उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके टारगेट्स क्या होते हैं उस मुल्क के उस फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करने के लिए और वो किस हद तक उस टारगेट्स को अचीव करता है क्या वो ऑब्जेक्टिव परमानेंट होते हैं या टाइम टू टाइम इंटरनेशनल रीजनल पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स जब चेंज होती हैं तो ऑब्जेक्टिव भी चेंज होते हैं या नहीं. उसके साथ साथ हम देखेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को ये कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जिसको बेस बना के कोई मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है डिवाइस करता है या उसको ट्रांसफॉर्म करता है. अगर हम देखें तो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के दो मेजर फैक्टर्स हैं एक उस मुल्क के अंदरूनी हालात और एक बाहर की दुनिया के हालात. तो इंटरनल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उस मुल्क की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी किस दौर में उसको किस फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए क्या उसके लिए बेहतर होगा और कौन सी उसके नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट है तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अंदरूनी और बैरूनी दुनिया के हालात को देखते हुए उस फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन लेगा और कुछ सेट प्रिंसिपल्स होंगे और कुछ प्रिंसिपल विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैंडर्डाइज्ड सेट प्रिंसिपल्स के अम्ब्रेला के नीचे चेंज भी होते दिखाई देंगे. उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे. फ्रेंड्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं फॉरेन पॉलिसी है क्या. जैसा कि हम जानते हैं कि आज की इस दुनिया में आज के इस कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी नेशन स्टेट नहीं है जो कि आइसोलेशन में रह सके. तो इसका मतलब है जब उसने किसी दुनिया बाहर की दुनिया किसी मुल्क अपने रीजन अपने नेबर या इंटरनेशनल कम्युनिटी या दुनिया के बड़े मेजर स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना है तो उसको अपना कोई फेस लेकर के उनके पास जाना पड़ेगा यानी उसके कोई सेट स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स होंगे उसी को फॉरेन पॉलिसी होगी. ये भी देखेंगे हम लेक्चर में आगे चल के फॉरेन पॉलिसी किन किन चीज पर डिपेंडेंट है या कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट हैं कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी बाज अकात आप तारीख में या कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में बहुत इकोनॉमिक ओरिएंटेड देखते हैं पोलिटिकल ओरिएंटेड देखते हैं
वॉर ओरिएंटेड देखते हैं, डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते हैं मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे. रीजन बीइंग इज दैट वो मुल्क इंटरनेशनल अरीना को जब इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहा होता है और अपने इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट और प्रमोट कर रहा होता है और मैक्सिमम कोशिश करता है अपने इंटरेस्ट को अटेन करने की और अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने की, और उसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप और रीशेप करना होता है. प्रोफेसर टेलर कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ सॉर्ट विल गो ऑन सो लॉन्ग एज देयर आर सॉवरेन स्टेट्स. ये बड़ा ही एक इनका स्पेसिफिक स्टांस है कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या दुनिया की फॉरेन पॉलिसियाँ चलती रहेंगी, चेंज भी होंगी, बनती भी रहेंगी जब तक सॉवरेन स्टेट्स हैं. उसकी रीजन ये है कि कोई भी सॉवरेन स्टेट या ऐसी स्टेट जो अपने फैसले खुद करने की हैसियत रखती है, जिस तरह की दुनिया में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने 1648 के बाद आया, सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया, आज दुनिया में 193 नेशन यानी 193 नेशन जो है वो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जनरल असेंबली का हिस्सा है, और सॉवरेन स्टेट और स्टेटहुड का उन्होंने स्टेटस अटेन किया, दुनिया उनको सॉवरेन स्टेट मानती है. तो फिर जब तक सॉवरेन स्टेट रहेगी फॉरेन पॉलिसी उसकी होगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी उसकी सॉवरेनिटी को शो करती है कि कितने परसेंट इसकी फॉरेन पॉलिसी ये बताती है कि ये स्टेट सॉवरेन है या कितने परसेंट ये डिक्टेट की जाती है. मीनिंग एंड डेफिनेशन में हम एक इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट की डेफिनेशन को लेंगे. अकॉर्डिंग टू पैडल फोर्ड एंड लिंकन स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी इज द टोटैलिटी ऑफ इट्स डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, कानून बनाती है, एग्जेक्टिव्स होते हैं, पार्लियामेंट्स होती है, लॉ मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, पुलिसिंग होती है, डिफेंस के लिए उनकी मिलिट्री होती है. तो मुल्क के अंदरूनी हालात को डील करने के लिए कोई भी मुल्क अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलता है. इसी तरह जब मुल्क से बाहर जाता है, अपनी बाउंड्री से बाहर जाता है, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड होता है. अब जब जो चीज़ या जो मामलात उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कानून बनाया जाता है. फॉरेन पॉलिसी के सेट प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो अपनी ताकत के साथ नहीं करता, फिर वो निगोशिएशन के साथ करता है, फिर वो डीलिंग के साथ करता है. और इसीलिए प्रोफेसर पेडल फोर्ड कहते हैं कि स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी इज द टोटैलिटी ऑफ इट्स डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके नेबरिंग कंट्रीज आ जाते हैं, उसके अलायज आ जाते हैं, उसके ओपोनेंट्स आ जाते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, रीजनल कंट्रीज आ जाते हैं, रीजनल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, और वर्ल्ड मेजर स्टेक होल्डर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी के रेस्ट ऑफ द नेशंस भी आते हैं. फर्दर कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इज मोर देन अ कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल रिकॉर्ड्स, फैक्शंस एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स. बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक स्पेसिफिक रिटन ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एग्जीक्यूट होती हुई नजर आती है. बहुत से मौकों में हमें फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा सिंपल नजर आती है, सिसेंट यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव भी नजर आती है. बहुत से मामलात में हमें ये कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्रिसाइज भी नजर आती है, बड़ी डिटेल्ड में भी होती है मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी. मीनिंग एंड डेफिनेशन में प्रोफेसर रोड की एक डेफिनेशन को हम इस वक्त डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. रोड कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच शेप द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ अ स्टेट व्हाइल नेगोशिएटिंग विद अदर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट और फर्दर इट्स नेशनल इंटरेस्ट. तो अब थोड़ा सा हम खोलते चले जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के मकासद क्या है, उसको भी इस डेफिनेशन में डिस्कस किया गया और उसका कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क के स्टैंडर्डाइज्ड सेट प्रिंसिपल्स होते हैं. ये स्टैंडर्डाइज्ड सेट प्रिंसिपल्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जब वो बाहर की दुनिया के साथ या एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ निगोशिएट करे तो मैक्सिमम उसके जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट भी करे और फार्दर भी करे, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट भी साथ साथ करे. अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन भी है. इसमें नेगोशिएशन आती है, इसमें डिप्लोमेसी आती है, इसमें स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, ट्रीटी साइन होती है और डीलिंग होती है किसी और स्टेट के साथ. क्यों? क्योंकि वो स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती है और बहुत से नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना चाहती है. जिस तरह हमने बैलेंस ऑफ पावर में पढ़ा था, जिस तरह हम अलायंसेस में देख चुके हैं, जिस तरह हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर एरा में देखा कि बहुत से ममालिक ने सोवियत कैंप को ज्वाइन किया, बहुत से ममालिक ने यूएस के कैपिटलिस्ट कैंप को ज्वाइन किया,
क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी हो रहे थे और कुछ ऐसे नेशनल इंटरेस्ट है जो प्रमोट भी हो रहे थे। एक और डेफिनेशन देखते हैं, चार्ल्स बर्टन मार्शल कहते हैं, द कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड इंटेंडेड टू अफेक्ट सिचुएशन बियॉन्ड द स्पैन ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। जैसा कि हम देख अभी बात कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे मार्शल भी कहते हैं कि ये वो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये वो स्टैंडर्डाइज्ड सेट प्रिंसिपल्स हैं, ये वो फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जो कोई स्टेट पहले बनाती है। ऑब्वियसली बात है, स्टेट ऑथराइज्ड होती है और स्टेट में फिर विद इन फॉरेन ऑफिस होता है, आपकी मिलिट्री की इनपुट होती है, आपकी पॉलिटिक्स की इनपुट होती है, आपके इकोनॉमिक जो थिंक टैंक हैं उनकी इनपुट होती है, आपके जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी इनपुट होती है, फिर पूरी दुनिया के जो मारूजी माल मामलात हैं या जो कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन है उसको भी देखा जाता है, फिर उस इनपुट को एक कोर्स ऑफ एक्शन से गुजारने के बाद अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, जो आपकी बाउंड्री से बाहर है, और उसके लिए डिफरेंट प्लान्स को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी कोर्स ऑफ एक्शन है, एक कंप्लीट स्टैंडर्डाइज्ड वे है जिसके थ्रू फॉर्मुलेशन होगी, फिर उस फॉर्मुलेशन के सेट प्रिंसिपल्स को प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्यों किया जाता है? एक ऑथराइज्ड स्टेट का ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सिचुएशंस जो उसके काबू से बाहर हैं, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं, मुल्की मामला तो ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं, कहाँ पर फोर्स इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर आप निगोशिएशन करते हैं, कहीं पर आप इकोनॉमिक इंसेंटिव देते हैं, कहीं पर आप सोशल डेवलपमेंट करते हैं, कहीं पर आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात, तो आप सोसाइटी अपनी कॉम अपनी नेशन स्टेट को तो वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है उसके लिए भी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और द बेस्ट टूल इज योर फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कुछ हद तक डेफिनेशन से हमें क्लियर हुआ कि फॉरेन पॉलिसी की मकसदियत क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्टिव्स में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर डिटेल में आउटलाइन किया है। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का सबसे मेजर एलिमेंट ये है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में अगर चेंज भी आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन उस मुल्क की अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यानी मुल्क की बका, उसकी सरहदों की बका। जिस तरह वॉर ऑन टेरर में हम देखते हैं, जब एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के एरा में हमें अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स आना शुरू हुई, आर यू विद अस और विद टेररिस्ट, जब इंडिया ने अपनी जो फैसिलिटेशंस देने के लिए ऑफर्स की यूएस को 9/11 के फौरन बाद, तो हमें डिसीजन लेना था कि अब अगर हम अफगानिस्तान के मैटर में, वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के अलाय नहीं बनते तो हमें कौन सी टेरिटोरियल इनसिक्योरिटीज, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी इंडिया के महाज पे ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें नजर आ रही, दूसरी इनसिक्योरिटी हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और हम इसको आइसोलेशन में नहीं रख सकते, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम इस वॉर का हिस्सा बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वॉर का हिस्सा नहीं भी बनते, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की एक इमर्जिंग सुपर पावर के साथ हम डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की स्टेटस में नहीं है, दूसरा हमारा जो दुश्मन मुल्क, हमारी एनिमी, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया मौजूद है, वो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकता है, और तीसरा अफगानिस्तान में जो भी इश्यूज होंगे फिर उसका डायरेक्ट खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना है, अगर पाकिस्तान सर्वेलेंस और कंट्रोलिंग और इन्वॉल्वमेंट होकर उस पूरी की पूरी वॉर को खुद हैंडल नहीं करता, वो के इसके बावजूद भी हमें बहुत सी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ी, 130-140 बिलियन यूएस डॉलर का कोलेटरल डैमेज हुआ, 70-80 हज़ार सिविलियन पैरामिलिट्री मिलिट्री ऑफिशियल्स की शहादतें हमें उसको सामना करना पड़ा, फिर भी पाकिस्तान अभी स्टेबल है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली, इसीलिए हमने डिसीजन लिया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी टेरिटरी, दूसरा प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड कॉपरेशन विद अदर स्टेट्स, जिस तरह के सी पैक है, सी पैक में हमें लग रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेहतर हो सकते हैं इस कॉपरेशन से, आप अगर देखें तो बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ और बहुत से हमें बेनिफिट से मिल सकते हैं।
तीसरी चीज फिर वही बात कर रहे हैं